म्यूजिकल लॉन्चिंग की जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा गाना है। फैजल और अली जी ने उनको कंपोज किया है और आसिफ जी ने लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा गाना है और मुझे गा के बहुत अच्छा लगा। आप सबको भी बहुत पसंद आएगा आई थिंक। सो फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। और कुछ क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में, गाने को लेकर या अपना एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस एंड आई होप कि गाना बहुत हिट होगा और सबको बहुत पसंद आएगा। कोई बॉलीवुड की जर्नी के बारे में बताइए आप। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे फिल्म्स किए हैं और उनके साथ भी काफ़ी सारे किए हैं, फैजल अली उनके साथ, और अभी भी जारी है, कुछ रिलीजिंग पे है और कुछ रिलीज हो गया है। सो कोई ऐसा गाना आपका जो लोगों ने बहुत पसंद किया हो, दो लाइन बोल? अभी तो फिलहाल तो हमारा जो लॉन्चिंग है वो चल रहा है, तो हम इसी के बारे में बात करना चाहेंगे। कोई है यहाँ, कोई है यहाँ। सो बेसिकली इट्स अ हॉरर फिल्म आई थिंक। सो इस टाइप का ही धुन बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है, मेलोडियस है एंड सुपर्ब। आई होप कि इट विल बी लाइक अ ब्लॉकबस्टर फिल्म एंड उसे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं फैसल अली, आसिफ भाई भी हैं, लिरिक्स राइटर भाई, लिरिक्स राइटर, म्यूजिक राइटर और सिंगर सब यहीं पर मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे आप लोग, कैसा एक्सपीरियंस है गाने का, गाना गायक कार के साथ और गाना कंपोज किस तरह का किया है आपने? नई फिल्म आप आ रही है तो बताएंगे दर्शकों को। बोलिए। मैंने ये जो गाना किया है, ये गाना एक हॉरर फिल्म है और डॉक्टर साहब ने प्रोड्यूस किया है, आसिफ भाई ने लिखा है और स्वामी मैम ने गाया है और अली फैसल ने म्यूज़िक दिया, हम दोनों भाई ने म्यूज़िक किया है। तो काफ़ी अच्छा गाना है और ये गाना एक्चुअली एक हफ्ते से रेडी हो रहा है और कंपोजिशन बन रही, रिजेक्ट हो रही कंपोजिशन, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था लेकिन अचानक कुछ अच्छा हो गया तो वो गाना आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर क्या सोच के आपने कंपोजिशन करते हैं, एक हॉरर फिल्म है, उसको ध्यान में रखा था? सबसे पहले हम डायरेक्टर का जो स्क्रिप्ट है उसको सुनते हैं, उसी के हिसाब से हम कंपोजिशन बनाते हैं। तो हमने बनाया तो उसके बाद डॉक्टर साहब को सुनाया तो उनको पसंद आया, तो देन हम प्रोग्रामिंग किया तो हम दोनों भाई ने स्वामी मैम को बुला के तो गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ फैसल भाई क्या कहेंगे, आपका क्या सोच रहता है गाने के पीछे, मेरे को ये गाना कंपोज करना है? स्क्रिप्ट के हिसाब से हम कंपोजिशन करते हैं और डायरेक्टर के साथ बैठ के और प्रोड्यूसर के साथ ही बैठ के, हम काफ़ी टाइम से डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं और काफ़ी टाइम से ट्यून बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, सिंगर को भी ट्यून सुना दें, सिंगर से भी पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और हर मोमेंट पे हम लोग चेंजेस करते हैं क्योंकि जब तक रिलीज़ नहीं होता है तब तक हम बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं हमारा। तो सिंगर की चूज आपने कैसे किया कि नहीं मेरे को यही चाहिए गाने के साथ में? सिंगर हमारी फ्रेंड है और हमें पता है कि बहुत अच्छा गाएंगे, इसलिए हमने सिंगर को ये चॉइस किया। अब बातें हमारी समझती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कह पाते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। और प्रोड्यूसर का कैसा रिएक्शन रहा डायरेक्टर का आपके गाने पर? प्रोड्यूसर साहब तो बहुत मेहनत करवाते हैं बहुत अच्छे से आउटपुट लेते हैं और एक हफ्ते से हम लोग आउटपुट के पीछे ही पड़े हैं, चीज़ें बन रही हैं, फिर कभी लिरिक्स में लगता है कि लिरिक्स और अच्छा होना चाहिए, कभी कंपोजिशन में लगता है और अच्छा होना चाहिए, प्रोग्रामिंग में लगता है और अच्छा होना चाहिए, सिंगिंग में काफ़ी मेहनत करी, सिंगर से गवाया, सिंगर को देखा, आवाज़ दोनों बेकार है, लिरिक्स अच्छा ना हो तो लिरिक्स कितना अच्छा है उसके बारे में? लिरिक्स में हमने आसिफ भाई से बहुत मेहनत ली, आसिफ भाई को कम से कम 4 बार लिखाया ये गाना और घड़ी घड़ी चेंजेस किए। कैसे राइटिंग करते हैं आप, कुछ राइटिंग के बारे में बताइए, लिरिक्स राइटर हैं जी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। रात में जागते हैं? जी जी जी, रात को जागना पड़ता है, 2-2 बज जाते हैं और फिर जब चेंजेस होते हैं तो मतलब क्या कुछ फिर सर बताते हैं? अगर जैसा आप सदावली सर अगर उनको नहीं जम रहा है बोले चेंज करो तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है। जब अली फजल ने आपसे कहा कि चेंज करो तो रिएक्शन कैसा था आपको? कुछ नहीं, अब करना है, जो चीज़ अच्छी हमको बनानी है उसके लिए तो मेहनत सर करना है ना। कोई
ये तो सबसे फेमस है यही जो शुरू का है, कोई है यहाँ, कोई है यहाँ, आपका अपना पसंद का शेर आपका खुद का लिखा हुआ। हम यही फिल्म के बारे में बात करेंगे, है ना? हाँ, हम इसी मूवी के बारे में अभी काफी बन रहे हैं इसका। इसमें जो सबसे बेस्ट लाइन ये हॉन्टिंग टाइप है, तो इसमें शेर नहीं है, कैसा थ्रिलर है, तो थ्रिलर लिरिक्स है इसमें। और बाकी दर्शकों से क्या कहेंगे आप, किस तरह का गाना कंपोज करते? देखो, हम दोनों भाई ने अच्छा कंपोजिशन किया है और स्वामी मैम ने भी अच्छा गाया है। हमारी टीम मेलोडी कंपोजिशन करती है और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा क्लब टाइप भी करें और क्लब में भी अच्छे अच्छे गाने करें। और मैडम ने हमारा क्लब गाने भी गाए हैं और मैडम को काफ़ी इंजॉय लिया। अभी उसका शूट भी है और होप जल्दी रिलीज हो, काफ़ी अच्छा गाना है। या क्या कहो, और सारी टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ और सबको, मतलब पूरी फिल्म के जो जितने मेंबर्स हैं सबको कंग्रेचुलेंस एंड फिल्म के रिलीजन तक, मतलब ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। एंड आई होप के बहुत अच्छा सबको लगे और रिलीजन में सबको देखना है और सभी को गाना सुनना है, हम सबके मेहनत किए हुए काम को अप्रिशिएट करना है। थैंक यू सो मच। एक मिनट।